आज मैं बोया बी वो एम वन माइक की अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये इसका बॉक्स है। बॉक्स दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। पैकिंग तो बिल्कुल मुनासिब सी लग रही है, देखते हैं इसके अंदर क्या रखा है इन्होंने। स्पेसिफिकेशन मैंने स्क्रीन पर रख दिया, पॉज करके देख लीजिएगा आराम से। और ये है इसकी गाइड, मैनुअल गाइड। तो इसको तो कोई पढ़ता नहीं है, इसको रख देते हैं फिलहाल साइड में। अंदर ये केबल और माइक आ गया, ये पफ डायरेक्ट भी है, और अंदर ये दवाई है जिसको हमने खानी भी नहीं है। ये कनेक्टर है, मुझे नहीं पता किस लिए यूज़ होता है। अब कनेक्टर देख के मुझे खबर में बता देंगे किस लिए यूज़ होता है, क्योंकि मैं वाकिफ नहीं हूँ इस चीज़ से। ये क्लिप है ताकि आप अपनी शर्ट पे लगा सकें आराम से। ये इसका पफ है ताकि माइक पे आसानी से लग सके। मैं भी आपको थोड़ी देर में लगा के भी दिखाऊंगा। और इसके अंदर एक सेल भी है, तो इसको रख देते हैं साइड पे। इसकी केबल है 3.5 mm जैक है। ये रहा माइक जिस पे बोया की ब्रांडिंग हुई है। नीचे एक स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए माइक को। इसको आपको खोल के दिखा देंगे सेल किधर लगता है। तो सेल लगता है इधर, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें तो खुल जाएगा और सेल लगेगा यहाँ जो इस पैकेट में था। ये तो थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट। ये थी दोस्तों बोया बी वो एम वन माइक की अनबॉक्सिंग। ये इसका बॉक्स है रिटेल पैकेजिंग में, जो कि काफ़ी मुनासिब इन 1400 रुपीज़ की प्राइस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।